उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के इस वक्त बवाल चल रहा है। टीचर्स को डिजिटल अटेंडेंस लगाने की बात जब से कही गई है तब से टीचर्स इसका विरोध कर रहे हैं। किस बात का विरोध है, क्या कारण है विरोध का, और क्यों अगर उनको एक समय के बीच में आने की बात कही जा रही है तो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए एक शिक्षिका ललित सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, किसी भी संस्थान के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप सही समय पर आएँ। अगर डिजिटल अटेंडेंस की बात कही जा रही है 7:45 से 8:00 के बीच में अगर आपको आना है, आपत्ति क्या है, क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हम विरोध कर ही नहीं रहे हैं। हम तो कल से देने को तैयार हैं डिजिटल अटेंडेंस। अगर हमें दिक्कत है तो ये कि हमारा विभाग हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। हमारी कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं जो हमेशा से रही हैं और जिसे कभी भी विभाग ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की। पर वो इस अटेंडेंस के समय पर वो परेशानियां शुरू हुई, मतलब इस समय शुरू होने के पीछे का मकसद क्या है? तो सीधे मकसद यही है ना कि मतलब अटेंडेंस आप नहीं देंगे, इसके पीछे की कहानी तो लोग समझ रहे हैं। जब भी कोई चीज़ हमारे पे लागू की जाती है तो हमारी भी तो कोशिश होती है कि हम पहले अपनी परेशानियों को सॉर्ट आउट कराएं। यही तो मौका है जब वो हम पे अगर कोई चीज़ लागू करना चाहते हैं, हम भी बड़े शिद्दत से लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारी परेशानियां हैं उसको सॉर्ट आउट करिए। अभी हम आपको कुछ दिन पहले की घटना बता रहे हैं। मेरे स्कूल में एक बच्चा गिर गया, उसका हाथ टूट गया। मैं घर से गाड़ी मंगवाई और उसको मैंने हॉस्पिटल में ले गई और वहाँ पर मैंने उसका प्लास्टर करवाया। ऐसे में अगर आज किसी स्कूल के बच्चे के साथ, किसी टीचर के साथ या कभी हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटती है तो आप हमें कौन सी ऐसी सुविधा दे रहे हैं कि हम बीच में स्कूल से निकल सकें? या तो हम उस बच्चे को स्कूल में तड़पता छोड़ दें, हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप पहले इन सब चीज़ों को क्लियर तो करिए कि आप कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं। 8 बजे की जगह अगर 8:02 पे हमारा शिक्षक स्कूल पहुंचेगा तो क्या पूरी सैलरी काट दी जाएगी? अब तो 8:30 तक का समय दे दिया गया। सर, ये 8:30 तक का समय दिया है लेकिन स्पष्टीकरण के साथ दिया है, यानी 8 बजे हमारी अटेंडेंस लॉक हो जाएगी और हमें 8:30 बजे तक की छूट दी गई है कि हम स्पष्टीकरण दें। अगर वो संतुष्ट होंगे देन ओके, अदरवाइज तो फिर वही बात हुई ना। ये कोई छूट नहीं है, हमें ये छूट चाहिए कि आप अटेंडेंस लॉक ही मत करिए, आप उसको छोड़ दीजिए। जो जब आ रहा है तब अपना अटेंडेंस देगा और आपके पोर्टल पे वो नजर आएगा। अगर लगातार वो 3-4 दिन एब्सेंट हो, देर में आ रहा है स्कूल, लेट में पहुंच रहा है, तो आप उसकी 3 हाफ CL की जगह 1 CL काट लीजिए, 3 लेट की जगह 1 CL काट लीजिए। कम से कम इससे हमारा टीचर हैरिस तो नहीं होगा। पता चला 1 मिनट के लिए गाड़ी भगा दिया और कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना हो सकती है, कम से कम वैसे मेंटली प्रिपेयर होगा, चलो यार 3 दिन होगा तब ना मेरा 1 CL कटेगा। और आप पोर्टल पे आराम से देख सकते हैं कि कौन डेली ऐसा कर रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। अच्छा, जो पोर्टल आप लोग को मिला है उस पोर्टल पर किस तरीके की स्थितियां हैं, क्या वहां पे चीज़ें, क्योंकि आज आप जैसे आई तो आपने क्या 7:45 से 8:00 के बीच में चीज़ें अपलोड होने की जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो रही है? सर, पहले तो अभी हम लोगों ने अटेंडेंस दी नहीं है, लेकिन उसके बाद हम बच्चों की अटेंडेंस को देते थे। इधर ये हालत है कि जब हम प्रेरणा पोर्टल को ऑन करते हैं, ऐप को ऑन करते हैं, तो वो गोल गोल घूमता है। आज भी मैंने अटेंडेंस नहीं दिया और 2 दिन पहले से अटेंडेंस नहीं जा रही क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहा है। साथ में MDM भी हम देते थे लेकिन वो भी नहीं जा रहा क्योंकि पोर्टल ही नहीं ऐप हो रहा है, ऐप ही नहीं ऑन हो रहा है। ऐसे ऐप जो एकदम हाफ रहे हैं आपने हम लोगों के सर पे थोप दिया। DBT है, विवरण भरो, एक ही बच्चे का 10 बार विवरण भर रहे हैं फिर वो बैक हो जा रहा है। प्रेरणा पोर्टल पे बच्चों का नाम कटो फिर भी वो शो कर रहे हैं। ऐसे पोर्टल आप, ऐसे ऐप हमको दे रहे हैं जिसमें हम दिन भर जूझते रह रहे हैं और कौन सफर कर रहा है उसे, जिसे नहीं करना चाहिए हमारे क्लास के बच्चे, क्योंकि हम दिन भर उसी में लगे रह रहे हैं। आप ऐप तो ऐसा दो कम से कम जिसपे आसानी से काम हो सके। हमारे पुराने टीचर्स हैं जो कि नहीं हैंडी हैं ऑनलाइन काम करने के। हम लोगों को जब इतनी तकलीफ हो रही है जबकि हमारा पूरा स्टाफ कर लेता है अच्छे से काम, तो उनको कितनी दिक्कत होती होगी। तो आप इन सब चीजों को पहले सॉर्ट आउट तो करो ना। आपकी डिमांड क्या, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आपकी चीजें क्या सॉर्ट आउट हुई, मतलब ये जो विरोध है, ये जो चल रहा है इसके पीछे मतलब क्या है? हमारा विरोध बस इस बात पे हम अड़े हुए हैं कि आप पहले तो जो लॉक कर रहे हो कि 8:00 से 2:15 तक हम लॉक कर देंगे, मतलब 2:15 के पहले ऐप नहीं खुलेगा, 8:00 के बाद ऐप नहीं खुलेगा, उसको ख़त्म करिए। आप दिन भर के लिए उसको चलने दीजिए, जो जब आएगा अटेंडेंस लगाएगा आप उस हिसाब से अपनी कार्रवाई करिए। दूसरी चीज़ कि हमको हाफ CL यानी बीच में अगर हमें कोई भी परेशानी होती है तो हम किस हिसाब से जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमको हाफ CL मिलनी चाहिए। तीसरा, 18 साल तक का बच्चा है, हमें CCL दे रहे हैं, लेकिन बच्चा 20 साल का है और बीमार पड़ गया तो क्या आप हमें EL भी नहीं देंगे? क्या हम EL के हकदार नहीं है? कोई EL नहीं मिलती, कोई EL नहीं, साल में 1 EL मिलती है।
कोई भी ईएल नहीं मिलती है। तो आप बताइए, ऐसे में हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, सास ससुर हैं या हमारे बच्चे हैं, हम कैसे उनको देखेंगे उस विभाग में जहाँ 70-75% महिलाएं हैं। पर आप ये बताइए, जैसे आप लोग का विभाग है, गर्मी की छुट्टियां हैं, जाड़े की छुट्टियां हैं, तमाम अलग अलग त्योहारों को लेकर के अलग अलग छुट्टियां हैं, किस जगह पर इस तरीके कितनी ज्यादा छुट्टियां, मतलब आप लोग के ऊपर ये भी है कि लगातार इतनी छुट्टियां मिलती हैं उसके बाद आप लोग ऐसी? एग्जैक्टली सर, लगातार छुट्टियां हमको जो गर्मी की छुट्टियां मिलती थी उसी में से काट करके हमको 15 दिन जाड़े की छुट्टियां कर दी गई हैं। वो ना ही हमसे सहमति ली गई थी, ना ही हमसे पूछा गया था। आप बताइए, किसी को मरना जीना क्या हमारी छुट्टियां देख करके होगा कि हम उसी 40 दिन में मर जाए ताकि ये 13वीं आराम से मना सके? ऐसा तो नहीं होता ना। हमें कुछ तो ऐसा चाहिए, 14 CL अभी हम ही को अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाना होगा, हमें अपना हमें जो है चिकित्सीय अवकाश लेना होगा, हमें शादी करनी है बच्चों की, या हम बहुत से बच्चे जो नए अभी आए इस जॉब में उनकी अपनी शादी होनी है, वो बेचारे मेडिकल लेके शादी करेंगे। अच्छा, छुट्टियों की प्रक्रिया में जैसे आपने कहा ईएल सिर्फ एक है, और क्या क्या आप लोग को मिलता है छुट्टियों? हमें सिर्फ ईएल मिलता है, 14 CL मिलता है। एक ईएल 14 CL? 14 CL, बाकी जो है तो CCL वगैरह वो तो सभी विभाग में है, वो जिनके बच्चे 18 साल तक हैं वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन साल भर में हमको सिर्फ एक ईएल और 14 CL मिलती है। जो ईएल है उसको और बढ़ाया जाए? बिल्कुल, हमारी डिमांड है कि आप भले हमारे जाड़े की छुट्टियां हटा दीजिए, हमसे काम लीजिए, लेकिन आप हमारे ईएल को बढ़ाइए, हमको ईएल दीजिए। इसलिए हम तो कहते हैं कि जाड़े की छुट्टियों को वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए ना, सारे हम जो ऑनलाइन चीजें हैं हम उसी समय फिट कर देंगे, घर से बैठ के फिट करेंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। कम से कम हमारे स्कूल के टाइम में परिवार सर्वेक्षण और बाल गणना और ये सब चीजें तो नहीं आएंगी, हम उस समय करके खत्म कर देंगे, साल भर हम अपने बच्चों को फ्री होकर के पढ़ाएंगे। लेकिन आप बात तो करिए, आप बिल्कुल से थोप देंगे तो फिर तब तो मुश्किल होगा ना। बिल्कुल, अगर सुविधाएं इन डिपार्टमेंट के लोगों को दी जाए तो इनका कहना है कि ये उस अटेंडेंस को लेकर के कोई इनका सीधा तौर पर विरोध नहीं है, उस अटेंडेंस की जो प्रक्रिया है जो 8 बजे उसको बंद कर दिया जा रहा है, उनका टीचर्स की मांग है कि उसको पूरे दिन खोले रखा जाए, जो जिस हिसाब से आएगा विभाग के पास उसकी उतनी जानकारी चली जाएगी और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उन पर की जा सकती है। पर इस तरीके से एक टाइम बाउंड चीज़ें करना, इससे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कोई हताहत हो सकता है, कोई कैजुअल्टी हो सकती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के टीचर्स अपना विरोध कर रहे हैं। विवेक राय, ABP लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.